जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कुछ लोगों के अंदर कट्टरता का जहर इस कदर भरा होता है जो समाज में धर्म जाति के नाम पर जहर घोलने का काम करते हैं और खुद को धर्म का ठेकेदार समझने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दासना देवी मंदिर के प्रमुख पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती। ये वही मंदिर के पुजारी हैं जहाँ पानी पीने गए एक मुस्लिम बच्चे की पिटाई की गई थी और अब नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की गई है एक प्रेस क्लब के कार्यक्रम के दौरान। दरअसल नरसिंहानंद सरस्वती खुद को धर्म का ठेकेदार समझ रहे हैं और दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और धर्म के नाम पर हर वक्त ये मरने और मारने के लिए उतावले रहते हैं। कट्टरपंथी का जहर घोलने वाले नरसिंहानंद सरस्वती पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की शिकायत पर मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज की। वहीं मुंबई में हजरत मोइन मियां की शिकायत पर नरसिंहानंद सरस्वती पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। देश भर में इसी तरह से मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और अब जमीयतुल उलमा हिंद भी जहरीले बोल बोलने वाले नरसिंहानंद सरस्वती पर शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने आ रही है। मुमरा कौसा जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने नरसिंहानंद सरस्वती पर शिकायत दर्ज कराने के बारे में क्या कुछ कहा है। देखिए, जमीयतुल उलमा भी जो भी काम करती है वो कानूनी एतबार से करती है, कानूनी कार्रवाई करती है और अदालत में जाती है, केस दर्ज करवाती है। अगर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आदमी बोलता है तो जिस धर्म के खिलाफ बोला जाता है उस धर्म के लोगों का दिल आजुर्दा होता है तो उससे वो लोग परेशान होते हैं और जो अनासिर फिरका परस्त लोग हैं ये कह करके ये बातें फैला करके और देश के अंदर मुल्क के अंदर एक अराजकता फैलाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हमारा मज़हब ये कहता है कि आप किसी के बारे में बुरा भला मत कहो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम राम को बहुत इज्जत देते हैं और एहतराम से उनका नाम लेते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद वो नबी भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत से अंबिया आए हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है। तो राम के बारे में लोग भी ऐसा बोलते हैं, हम राम की और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मजहबी रहनुमा हैं, सबकी कदर करते हैं। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई आदमी बदतमीज़ी करता है और कोई आदमी बुरा भला कहता है तो ये ऐसा मसला होता है कि मुसलमान काबू से बाहर हो जाता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान काबू से बाहर हो, मुसलमानों के दिल टूट जाएँ और इस तरह की हरकतें हों। हम तो सबसे पहले मुतालिबा करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने मुल्क की हुकूमत से कि इनके ज़ुबान पर कदगन लगाई जाए और इनको ये तो ऐसा बयान देते हैं कि जैसे दहशत गर्दाना काम करते हैं, ये दहशत गर्द हैं, इनके खिलाफ़ मुकदमा किया जाए और इनकी हर वीडियो को बैन किया जाए। और हम इंशाअल्लाह अपने बड़ों से मशवरा करेंगे, जमीयतुल उलमा से के बड़े जो लोग हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, उनसे मशवरा होगा और हम भी इनके ऊपर केस दर्ज करवाएंगे और अगर यही नहीं हुआ तो इनके खिलाफ़ एहतजाज भी किया जाएगा।